गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पार्ट दो की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट दो लिखेंगे, फिर इसका हेडिंग लिखेंगे पेड़ की कहानी। आप चाहें तो एक छोटा सा बहुत हरा हरा पेड़ भी बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, पार्ट दो लिखेंगे पेड़ की कहानी, हेडिंग लिखेंगे और एक छोटा सा पेड़ बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, फर्स्ट नंबर की जो एक्सरसाइज होगी श्रुतलेख। श्रुतलेख में लिखेंगे सुहावना, दृश्य, मुग्ध, प्रारंभ, स्पर्श, शुद्ध, समाधान और वातावरण। इसके अलावा अगर आपको कोई शब्द कठिन लगता है तो आप उन शब्दों को भी आगे से लिख सकते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? सुहावना, दृश्य, मुग्ध, प्रारंभ, स्पर्श, शुद्ध, समाधान और वातावरण। इसके बाद शब्दार्थ। शब्दार्थ आपको बुक में भी मिल जाएंगे, फिर भी आप देखिए। सुहावना मीन्स अच्छा, मुग्ध मोहित, झूमना हवा से इधर उधर हिलना डुलना, उपयोगिता उपयोग में लाए जाने का भाव, स्पर्श छूना, मृत्यु मौत, शुद्ध साफ, विशालकाय बहुत बड़ा, है ना। तो सबसे पहले नंबर की हमारी एक्सरसाइज हुई श्रुतलेख, सेकंड नंबर की हमारी एक्सरसाइज हुई शब्दार्थ। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग जो लिखेंगे वो है प्रश्न उत्तर। क्या है हमारा नेक्स्ट हेडिंग? प्रश्न उत्तर। अब इसमें देखिए, सबसे पहले नंबर पे मौखिक प्रश्न है, लेकिन आपको इन मौखिक प्रश्नों को भी कॉपी में लिखना है। सुबह सुबह बाग में टहलने कौन गया? कौन गया था सुबह सुबह बाग में टहलने? आपने पाठ पढ़ा है, यस, वेरी गुड। सुबह सुबह बाग में टहलने रवि गया था। नंबर टू, मनुष्य द्वारा छोड़ी अशुद्ध वायु को कौन शुद्ध करते हैं? मनुष्य द्वारा छोड़ी अशुद्ध वायु को पेड़ शुद्ध करते हैं। नंबर थ्री, किसने हर रविवार एक पेड़ लगाने की प्रतिज्ञा की? रवि ने हर रविवार एक पेड़ लगाने की प्रतिज्ञा की। आपको इन सारे प्रश्नों को एक एक लाइन का डिस्टेंस लेके, जैसे आप सेकंड क्लास में लिखते थे, आप लोग को मालूम है मैम कैसे लिखवाती हैं, है ना। तो पहले आप हेडिंग लिखेंगे, फिर एक लाइन का डिस्टेंस लेंगे, फिर प्रश्न नंबर वन लिख के उसका आंसर लिखेंगे, फिर एक लाइन का डिस्टेंस लेंगे, ऐसे आप। और अक्षर भी बहुत आपको दूर दूर लिखना है, पास पास नहीं लिखना है, मात्रा की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद हम जो करेंगे वो है लिखित प्रश्न। क्या है हमारे लिखित प्रश्न? सुंदर दृश्य देखकर रवि ने क्या कहा? सुंदर दृश्य देखकर रवि ने कहा, वाह, पेड़ है धरती की शान, इनसे जीवन और जहां। ये लाइन आपको किताब में भी मिल जाएगी, आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है। फिर नंबर खा, रवि की बातें सुनकर एक पेड़ ने क्या कहा? रवि की बातें सुनकर एक पेड़ ने रवि से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी उपयोगिता समझी। नंबर नेक्स्ट, रुपयों के लालच में लोग पेड़ों के साथ क्या करते हैं? रुपयों के लालच में लोग पेड़ों को कटवा देते हैं। पेड़ों ने रवि से क्या प्रार्थना की? क्या प्रार्थना की थी पेड़ों ने? पेड़ों ने रवि से अपने आसपास रहने वाले लोगों और मित्रों को पेड़ न काटने के लिए समझाने की प्रार्थना की। बेटा बहुत साफ राइटिंग में, और जो बड़े आंसर है उनको बहुत ध्यान से लिखने का प्रयास करेंगे, और लिखने के बाद कम से कम 3 times चेक करेंगे कि कहीं हमने लिखने में कोई मिस्टेक तो नहीं की। आपको ये आंसर की जो लाइन है किताब में भी मिल जाएंगी, तो आप अपने सामने किताब रखेंगे
और फिर लिखेंगे। इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है वो है क्रियाकलाप, है ना। क्रियाकलाप में आपको 5 पेड़ों के चित्र बनाकर या चिपकाकर, आपको 5 तरह के पेड़, कोई से भी 5 जो बड़े पेड़ होते हैं जैसे नीम का, पीपल का, बरगद का, है ना, उनके चित्र बना सकते हैं। अगर आप तो आप चित्र बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर चित्र ड्रॉ करेंगे तो मोम कलर या पेंसिल कलर करेंगे, स्केच कलर नहीं करेंगे। और या आप, अगर आपको पेड़ अवेलेबल हो जाते हैं उनके चित्र, तो आप चिपका भी सकते हैं। और पेड़ों की उपयोगिता या महत्व बताइए, इसमें आपको पेड़ों के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं कि पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था जब पाठ पढ़ाया था कि पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमें फूल देते हैं, पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, है ना। ऐसे आपको 5 वाक्य लिखना है। तो प्यारे बच्चों, घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।